हाय गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है क्रिसमस आउटिंग जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ की थी। उसका कंप्लीट ब्लॉग मैंने बना दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल। और जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट वीडियो जो है, आपको मेरे ये ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो हम लोग आज जा रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए विद फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी गाड़ी आ गई है, अब हम निकल रहे हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं, देखिए अपनी राम प्यारी से। ये है, बिजी है? नहीं है, नहीं है क्या? 8461 ही है ओटीपी। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? 5791 नहीं है? नहीं। आपके वाले मामू बन गए। हमारी गाड़ी नहीं, हम रॉन्ग गाड़ी में बैठ गए। दूसरा गाड़ी आ गया। हाँ सर, हाँ। हमारा पोपट हो गया है क्योंकि हम रॉन्ग गाड़ी में बैठ गए। ये श्रीना ने हमें पनी कौन सी गाड़ी में बिठा दिया और हमारा हो गया पोपट। अब आई हमारी सही राइट गाड़ी। पहले गाड़ी का नंबर देख ले भाई, गाड़ी का नंबर देख ले। चलो अब फाइनली हमारी गाड़ी आ ही गई। क्या है अपनी पार्टी के लिए? या देख तो ले ली थी इधर। ये सविता और मानसा को भेजेंगे कि हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी के लिए। तुम ही लोग एंजॉय नहीं कर रहे, हम लोग भी कर रहे हैं, देख लो। अरे भाई बोल रहा मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। कितना पैसा नहीं है? एक ही बुक हो गई ना, हम इन टाइम पे एक ही बुक हो जाए ना। नहीं नहीं, दो भी हो जाता है भाई। अगर दो एप्लीकेशन चल रहा है, दो कैसे होगा? बोला नहीं था क्या? क्या फाइनल टिकट? अब हम लोग जाएंगे अपनी यात्रा। अभी चल रही है, रुक जाओ। हाँ ले लिया। दिस इज बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली। ओके डन। कितना पीसफुल है भाई। मेट्रो का टिकट लेके हम लोग जो है मतलब जहाँ मेट्रो आनी थी वहाँ के लिए जा रहे थे। तो एक्चुअली मैंने देखा बहुत कम क्राउड था, बट अच्छा था। मतलब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया मेट्रो के अंदर। और क्योंकि लीपी और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने बहुत सारी रील्स भी बनाई। लीपी ने तो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लिए उसने। आउटसाइड के भी बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस लिए। फिर हम लोग जो है मेट्रो के अंदर भी बहुत सारी रील्स बनाने लगे। और मैंने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस और रील्स बनाए। लोग हमें देख रहे थे, सोच रहे थे ये पागल लड़कियां क्या कर रही हैं। बट क्या है, जब हम बनाने पे आ जाते हैं रील्स तब हम पब्लिक नहीं देखते। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे मेट्रो में। एक्चुअली मेट्रो में बैठ के श्रीना को तो देखो, श्रीना की नहीं, श्रीना बोलती है मुझे पता था तू मुझ पे फोकस कर रही है इसलिए हमें थोड़ा स्माइल करनी पड़ेगी। बट बाहर आउटसाइड के व्यूज़ भी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आप देख ही सकते हो कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ थे आउटसाइड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था मन को, एक पीसफुल लग रहा था। नो ट्रैफिक का झंग झंग, ना गाड़ियों की पीपी। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुकून जैसा फील हो रहा था। तो इसके बाद जो है हम बहुत जल्दी ही जो है एमजी रोड पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत सारी वहाँ फ़ोटोज़ भी क्लिक की और तरह तरह की फ़ोटोज़ जगह जगह जा जा के बहुत इंजॉय किया। एक्चुअली एमजी रोड बहुत सुंदर लग रहा था। हमने एक जगह ये स्टेचूज़ भी देखे, तो इनको पकड़ पकड़ के हम लोगों ने फ़ोटोज़ खींची, बहुत खींची, बहुत पिक्स वगैरह खींची, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद जो है हम लोग चलते गए बट थक गए थे। मैं तो एक बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और हम लोग फिर एक जगह बैठे जहाँ पे कि देखा हमने बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी जगह हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए। फिर मैंने वहाँ देखा नटराज की बड़ी सुंदर फ़ोटोज़ मुझे लगी, वो मूर्ति बहुत सुंदर लगी। उसके बाद हमने देखा कि चलो थोड़े से वेस्टर्न ड्रेस लेते हैं, टॉप। एक्चुअली मुझे क्रॉप टॉप लेना था, तो इसी के लिए श्रीना और लिपि मेरी हेल्प कर रहे थे कि तुम क्या लेना चाहती हो। मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई इन कपड़ों को देख के, तो मैंने कहा तुम लोग ही बोलो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है वही मैं ले लूँगी। तो मैंने एक्चुअली एक क्रॉप टॉप लिया।
फिर उसके बाद से मैंने जो है एक कार्गो पैंट भी ली, इधर ही इस मार्केट से ली, तो वो भी इन लोगों ने ही सजेस्ट किया मुझे। मुझे तो कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ, बट फाइनली उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये देख सकती हो, ये पैंट बहुत अच्छा है। तो मैंने एक कार्गो पैंट भी जो है शॉपिंग कर ली थी। और उसके बाद जो है हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो अब कुछ खाने पीने का काम। एक्चुअली मैं सुदर्शन के लिए भी पहले सोच रही थी कि शर्ट लेके जाऊं, बट शर्ट सुंदर लग रही थी मुझे, वो वाइट कलर की शर्ट तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बट सुदर्शन का थोड़ा चॉइस का रहता है। उसके बाद जो है वहीं सामने ही एक वेज रेस्टोरेंट था, बिकॉज़ उस दिन मंडे था तो मंडे को हम नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो हम लोगों ने एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढा, तो हम लोग वहीं गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ देखा, सफाई भी थी, सब कुछ थी, ये लोग दोनों को देखो ना कितने गप्पे मार रहे थे ये। मुझे तो भूख से बुरा हालत था। उसके बाद मैंने जो है एक प्लेन डोसा ऑर्डर किया था, एक कुछ ये वाला मेरे को आइटम पता नहीं क्या नाम है इसका, सेट ऑफ डोसा आई थिंक। और उसके बाद जो है मैंने उनको कहा कि तुम लोग खाते रहो, मैं एक वीडियो बनाती हूँ। उन लोगों ने प्रॉपर फोकस अपना खाने पे ही रखा हुआ था, पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने एक राइट हैंड से कैमरा पकड़ा हुआ था और लेफ्ट हैंड से मैं खा रही थी, बताओ इतना मेरा डेडिकेशन है वीडियो बनाने के लिए। कि उन लोगों ने बोला भी कि इसको छोड़ दे पहले खा ले, फिर हमने ना ये गोभी मंचूरियन के साथ चीयर्स करा। और फिर मैं जैसे ही हम लोग बाहर आए, तो ये देखो मेरे को ये दिखे बैर, जो कि हम अपने गांव में खाते थे चुग चुग के। और उसके बाद जो हम लोग खा पी के बैठ गए थे एक जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मतलब बिकॉज़ वो लाइटिंग वाइटिंग हुआ हुआ था, तो एक्चुअली हम लोग लाइटिंग का वेट कर रहे थे। हमने कहा कि लाइटिंग देखने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। उस बीच में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी रील्स भी बनाई मैंने, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम तीनों ने। और हमने अपने क्रिसमस को बहुत अच्छा क्रिसमस बनाया। और फिर उसके बाद वहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए थे, तो उसके पीछे ही एक होटल था, बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। तो मतलब शाम होने लगी थी, आई थिंक 6:30 होने लगा था, तो लाइटिंग सब ऑन हो गई थी। तो लाइटिंग के बाद जो ये प्लेस है, इतना हैपनिंग लग रहा था ना, इतना हैप्पी हैप्पी प्लेस लग रहा था। ये लाइटिंग को देखने के लिए ही हम लोग एक्चुअली बैठे हुए थे, बिकॉज थक तो बहुत ज़्यादा गए थे और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने थोड़े से पीनट भी खा लिए, मुझे बहुत थोड़ा भूख लगने लग गया था इतनी देर से चल चल के। तो उसके बाद जो है हमने पीनट खाए, पीनट खाने के बाद जो है हम वापस जाने के लिए सोचने लगे, बट लाइटिंग इतनी सुंदर लग रही थी कि बस थोड़ा सा और देखते 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 हम लोगों को एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था, बट इट वॉज़ गुड टाइम। हम लोग रिटर्न होने के लिए अगेन हम लोगों ने मेट्रो ही पकड़ा, जो कि हमने MG रोड से पकड़ा, क्योंकि उस दिन जो है क्रिसमस था और रोड तो बहुत ही मतलब यू नो ट्रैफिक बहुत था रोड में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रिटर्न भी जो है घर को मेट्रो से ही जाएंगे, बट मेट्रो में मतलब मेट्रो में भी बहुत क्राउड था, मतलब टिकट काउंटर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि क्रिसमस था, मतलब लोग प्रेफर करते हैं मेट्रो से आना जाना है बिकॉज ट्रैफिक से बचने के लिए। तो ये देखिए मैंने ये रील भी बनाया था उसी बीच में, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक रील बनाया है, जो कि अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है, मैं जल्दी ही इस ये रील भी जो है अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगी, दिस इज़ फॉर माय हस्बैंड ओनली। तो इसके बाद जो है फाइनली लीपी और श्रीना को जो है टिकट मिल जाता है, मतलब जो स्कैन करके हम लोगों को मेट्रो में जो भी प्रोसेस होता टिकट विकट का जो भी था, तो इस तरह से जो हमें रिटर्न टिकट ईजिली मिल गया। और ये था हमारा क्रिसमस नाइट आउटिंग, जो कि हम तीनों ने बहुत इन्जॉय किया, और सच में ये क्रिसमस वाकई बहुत याद रहेगा, बिकॉज मैंने बहुत मस्ती मारी इन दोनों के साथ, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को, और हम लोगों ने हाँ फूड भी बहुत इन्जॉय किया, फूड भी बहुत अच्छा था, और जैसे ये सेट ऑफ डोसा था, प्लेन डोसा था एंड गोभी मंचूरियन, और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली क्रिसमस में घर से बाहर आई थी, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इन दोस्तों के साथ, तो ये क्रिसमस हमेशा मुझे याद रहेगा। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड, हैप्पी मैरी क्रिसमस वंस अगेन सभी को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ, और जल्दी मिलते हैं न्यू ईयर पार्टी के
फंक्शन में, बिकॉज़ उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, उसका भी मैं एक कंप्लीट ब्लॉग जो है एक बनाऊंगी। वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।